माना जाता है कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। इसमें आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत महत्व है, जिससे कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी होता है। इससे अधिक फायदा सोशल मीडिया के आमजन को मिल रहा है। उसी के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से 3 वर्ष पहले बिछड़ा बेटा अपने माँ बाप और भाई बहन से मिल पाया है। मामला बागली के ग्राम भमोरी का बताया जा रहा है। 6 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से युवक अपने परिजन से मिल सका। ग्राम भमोरी निवासी करण पिता विक्रम अपने परिजनों के साथ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अंजल गया था, वहीं से कहीं चला गया था। तभी से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन 6 जून के दिन सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान भरतपुर अपना घर आश्रम संस्था के विकास गोंगिया ने गूगल के माध्यम से बागली छापड़ा निवासी एक युवक वर्धमान जैन से संपर्क कर करण के फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किए, जिसके बाद करण की पहचान भमोरे निवासी के तौर पर हुई, जिसके कारण परिजनों से चर्चा की गई। वहीं संस्था के सदस्य विकास गोगिया द्वारा व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए करण के परिजनों से बातचीत कराई गई, जिसमें पुष्टि की गई कि 12 जून शनिवार करण के भाई उसे राजस्थान से भरतपुर अपना घर आश्रम लेकर अपने घर भमोरे जा रहे थे, पर परिजनों द्वारा करण का तिलक लगाकर आरती लगाकर स्वागत किया गया। करण के घर पहुंचने पर परिवार के एक बार फिर से खुशियों की झलक देखने को मिली है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आपको वापस मिला है तो कैसा क्या लगा? बहुत टाइम हो गई, 3 साल में मिला है। घूम गए थे निमाड़ जिला में, तो हम ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, तो आप पता लगा चापड़ा बाजू, चापड़ा से भमोरी में आए पता, फिर वहाँ से सब जानकारी यहाँ से ले गए है। जानकारी ले जाने बाद आश्रम पैसे लाए है। कैसा क्या लग रहा है आपका बेटा मिला? अच्छा है, चंगा है, चंगा है, खुशी में है। ऐसा बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका भाई जो कहीं ना कहीं खो गया था, वो अब मिला है, तो कैसे क्या मिला और कहाँ से उसको लेके आए हैं अभी आप? चापड़ा वाले भैया वो पत्रकार के द्वारा वो अम्बाला वाले विकास भैया के जानकारी दी थी, उनसे हमको मिली सूचना और हम लेने गए। फिर कब गए थे लेने? लेने गए थे हम शुक्रवार को। गुरुवार कब लेके आए हैं? शनिवार को, आज 3 दिन के बाद। कितने साल से लापता था ये? 3 साल से लापता था। कहाँ से लापता हुआ था? क्या ये बहन के यहाँ शादी में गए थे, वहाँ से लापता हो गया था, कुछ माइंड उसका वो हो गया था। हाँ। इस कारण निकल गया था वो वहाँ से। तो अभी कहाँ से लेके आए हम? अभी भरतपुर अपना घर आश्रम से। क्या वहाँ पर कैसी क्या सुविधा थी? क्या है? नहीं, वहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। और क्या आपका भाई इतने समय बाद आपको मिला है, तो क्या इस खुशी कैसा क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा, अच्छी खुशी महसूस हुई। सर गए हुए थे और आज अपने घर वापस लौटे, तो कैसा क्या लग रहा है और कहाँ रहे? अच्छा लग रहा है। कहाँ रह रहे थे दिन? योगिंग सर के पास 2-4 महीने हो गए। कौन सा आश्रम था? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो कैसे क्या चले गए थे घर से आप? ऐसे दिमाग से थोड़ा कमजोर हो गया था। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, उसके लिए चला गया। अब कैसा लग रहा है घर पे आके? अच्छा लग रहा है। सबको पहचान लिया घर परिवार वालों? वहाँ पर आश्रम में कैसे क्या क्या सुविधा दी आपको, कैसे क्या रखा वहाँ पे? वड़े खाना, चावल खाना, उपचार भी, इलाज वगैरह, और जाप जपना। हाँ, और अच्छा नहाना धोना रहना। अच्छा रखा मतलब हमने। अच्छा, और आज यहाँ परिवार से मिले हैं तो अच्छा लगा। बढ़िया। अभी आखिरी में कहा कौन से आश्रम पे थे? भरतपुर, तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।